बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट? ठीक है। आज CS601 का पेपर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो CS601 का जो सब्जेक्ट है, तो इसके चैप्टर्स हमारे चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक हमारा सिलेबस है फाइनल टर्म का। तो पहले जो 6 थे उनका पहले हो चुका है हमारा। लेक्चर नंबर 101 से हमारा स्टार्ट होता है और 102 तक कुछ जाता है। ठीक है। तो जो MCQs से ना अप्रोक्सीमेटली जो स्टूडेंट ने दो स्टूडेंट ने शेयर किए हैं, वो उन्होंने यही बताया कि इजी थे। ठीक है। अक्सर स्लाइड्स में थे और चैप्टर नंबर आते भी इसके स्लाइड्स में से ही हैं। अगर आप स्लाइड्स करके चले जाए ना, सिर्फ आप 70% मार्क्स ले सकते हैं CS601 में, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अगर लेक्चर सुन लें तो आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। जो हमारी बुक इसके हैंड आउट्स हैं नहीं, CS601 के इसके लेक्चर्स हैं या ये स्लाइड्स हैं। बाकी जो बुक है, बुक में से कभी भी पेपर नहीं आता, जो लेक्चर्स होते हैं वहीं से आता है, ये जो रीडिंग मटेरियल होता है। तो चैप्टर नंबर 7 से 12 में तकरीबन 70% MCQs आए हुए थे। पीछे 4 ही बचते हैं, 70 आने थे। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, कितनी है भाई ट्विस्टेड पेयर की केबल की टाइप्स? दो हैं। ठीक है। एक है STP, एक UTP। एक है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होती है अनशील्डेड। और जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो यूज़ होती है सिर्फ बहुत कम, और उसको IBM वाले यूज़ करते हैं। और जो UTP होती है वो हमारी कॉमन यूज़ होती है। अच्छा, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करना था। अगर 10 बिट हो, अगर बिट 10 हो, इसकी वैल्यू दी हो, तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो होगा वो 21 होगा। ठीक है। ये आपकी स्लाइड्स में दिया हुआ है। लॉन्ग में एक टेबल था, उसमें स्टेटमेंट थी जिनके बारे में बताना था कि ये रैंडम एक्सेस कंट्रोल में आता है या कंट्रोल में आती है। बल्कि रैंडम एक्सेस ये यहाँ कोई और स्टेटमेंट आएगी, ये बन नहीं सकती। ठीक है। तो इस तरह के आपका एक टेबल आया हुआ था, आपने उसके बताना था। शॉर्ट भी ईजी थे। बैंड विथ का क्या मतलब होता है? ठीक है। और जो MCQs में थे, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डाटा लिंक लेयर, कितनी टाइप्स होती हैं? एक दो न्यूमेरिकल थे, उनमें MCQs थे जिनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी थी। व्हाट डज फ्रेमिंग मीन्स? ठीक है। अब फ्रेमिंग क्या है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। फ्रेमिंग इन डाटा कम्युनिकेशन, डाटा लिंक लेयर, बल्कि ये ऐसा वे है फॉर अ सेंडर टू ट्रांसमिट अ सेट ऑफ बिट्स दैट आर मीनिंगफुल टू द रिसीवर। जो यहाँ से आप भेज रहे हैं ना, एक किसी को चीज़ भेज रहे हैं, कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पे आप भेज रहे हैं, अगले रिसीवर के लिए वो हेल्पफुल हो या मीनिंगफुल हो, तो वो क्या कहलाएगा? उसको हम फ्रेमिंग कहेंगे। और डाटा लिंक लेयर की कितनी टाइप्स हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी हैं। टाइप्स ऑफ डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर देर आर ये टाइप्स हैं। ठीक है। दो टाइप्स हैं, दो बल्कि लेयर्स हैं, बल्कि टाइप्स नहीं होंगे, लेयर्स होंगे। द मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक जिसे कहते हैं, और LLC कहते हैं। ठीक है। और ये हमें, ये जो आपको दिए गए हैं, ये आपके सारे हैंडआउट्स में हैं, आपने इनके एब्रीवेशन भी याद करके जाने हैं। ठीक है। ये एब्रीवेशन आया हुआ था शायद लिंक एक्सेस प्रोटोकॉल, ये आगे स्टूडेंट हमें बताएंगे एक में। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट डज फ्रेमिंग मीन। अच्छा, मैक एड्रेस सेपरेटेड बाय कॉलन्स, मैक एड्रेस कैसे सेपरेट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी मैक एड्रेस, मैक एड्रेस ये इस तरह से लिखा जाता है, मैक एड्रेस। यहाँ व्हाट इज़ माय मैक एड्रेस एग्जांपल, 12 डिजिट पे होता है, और जो सेपरेट होता है आपस में, इसको ये फुल स्टॉप से भी होता है और स्पेसेस से भी होता है और कॉलन से भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चेकसम क्या है। अब इसको भी देखते हैं कि चेकसम क्या होता है। इसको यहाँ से आप कॉपी करें। ये मैं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर इतना मुश्किल नहीं था। चेकसम ऐसी वैल्यू होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है नंबर्स को इन अ ट्रांसमिशन मैसेज, एंड इट्स यूज्ड बाय IT प्रोफेशनल टू डिटेक्ट हाई लेवल एरर्स। एरर्स फाइंड आउट करने के लिए चेकसम हम यूज़ करते हैं। ये 4-5 किस्में हैं चेकसम वाली, उसे में आपके आप देखेंगे ना स्लाइड्स में, तो 4-5 किस्में लिखी हुई हैं, आपने इन सबको करके जाना। जब एक लड़के का चेकसम में से आ रहा है तो आपका दूसरे में से आएगा। ठीक है। CS601 का पेपर टाइमिंग 12, MCQ ज़्यादा वीक 9 से थे, डाटा लिंक लेयर वाले चैप्टर से क्वेश्चन था। सोनेट के कंपोनेंट्स के नेम, कितने सोनेट के कंपोनेंट हैं, और सोनेट के एब्रीवेशन भी आता है। ठीक है, आपने इसको देख लेना लाजमी। सोनेट का मैं अभी आपको एब्रीवेशन दिखा ही देता हूँ ताकि अक्सर स्टूडेंट नहीं देखते भाई। सोनेट स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है। इसका काम क्या है? एंड इट इज स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डिजिटल ट्रांसमिशन ओवर ऑप्टिकल फाइबर यूजिंग लेजर और लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है। अब ये लाइट एमिटिंग डायोड्स LEDs होती है, और एक्सचेंज क्रेडिट स्टैंडर्ड एसोसिएशन ECSA डेवलप सोनेट फॉर द अमेरिकन मिड 1980s में।
नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लेक्स फाइबर ऑप्टिक केबल के नाम से। अच्छा, फाइबर ऑप्टिक केबल के नाम लिखने। फाइबर ऑप्टिक केबल के जो दो नाम हैं, शायद मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ इसमें। फाइबर ऑप्टिक केबल के दो ही हैं, एक तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करती है लाइट की शक्ल में केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर ये ट्रेवल्स करती है लाइट में। अच्छा जी, ये यूज किस लिए होती है? ट्रांसमिटिंग मोर डाटा ओवर लॉन्गर डिस्टेंस एंड फास्टर देन अदर मीडियम्स। जो आजकल हमारे यूज़ होता है इंटरनेट में, ये सारी फाइबर यूज़ होती है, ठीक है। जो टाइप्स हैं उसकी ये हैं, ठीक है, मल्टी मोड प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर और सिंगल मोड। और जो हमारे इसमें डिस्कस की गई है, ये स्टेप इंडेक्स भी है, ठीक है, आपके उसमें आप देखेंगे बुक्स में। मैक का फील्ड का नेम लिखना था, ठीक है, मिनिमम हेमिंग फार्मिंग फाइंड करना था। एक टेबल बना हुआ था, दो एड्रेस नेम और ऑपरेशन लिखने थे। टेबल था हब और स्विच में कौन से लेयर यूज़ होती है। लास्ट क्वेश्चन मैंने नहीं किया, अजीब सा था। उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो मैंने बड़ी सादा सी बनाई है, आपको पसंद आई होगी। पसंद की इसमें क्या आना है, आपको आइडिया हो गया होगा कि पेपर कहाँ से आ रहा है, ठीक है। जज़ाकअल्लाह।